इज नाउ फॉर्म क्लेंज ना, हमारा जो इनिक एसेट है उसमें ये अवेलेबल है, उससे आप अपना पूरा फेस क्लेंज कर दीजिए। उसके बाद हम यूज करने वाले एटॉमी की पूरा ये सेट। तो सबसे पहले आता है टोनर, तो ये प्रीमियम बूस्टिंग टोनर है। उसको आपको जनरली हाथ में 2-3 पंप लेना है और उसको पूरे फेस पे इवेंटली स्प्रेड करना है, अवॉइडिंग आईज एंड माउथ एरिया एंड डोंट फॉरगेट नेट एरिया। फिर आपको जनरल टैपिंग मोशन पे पूरे फेस पे इसको एब्जॉर्ब होने के लिए रख देना है। मेक श्योर कि आप टोनर डेप स्किन पे अप्लाई किए रेदर देन ड्राई स्किन। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेप स्किन एंड ड्राई स्किन? सो आप जब जैसे ही अपना फेस वॉश करते हो उसके बाद आप अपना फेस ड्राई करते हो तो वो आपकी डेप स्किन होती है, लेकिन आप 5-10 मिनट के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ड्राई स्किन हो जाएगी। सो फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन आप टोनर को डेप स्किन में यूज कीजिए रेदर देन ड्राई स्किन। टोनर के बाद हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट आती है एटॉमी एम्प्योर। सो आपको कैप को ट्विस्ट एंड टर्न करके एक एप्रोप्रिएट अमाउंट लेना है। और फिर कैप को बंद करके रख देना है और उसको इवेंटली पूरे फेस पे अप्लाई करना है, अवॉइडिंग आईज एंड माउथ एरिया एंड डोंट फॉरगेट नेक एरिया। जो ड्रॉपर है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करना, अवॉइड कीजिए एग्जिट में कॉन्टेमिनेशन। आफ्टर ये जब उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर, हम उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट एप्लीकेट करेंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते। आफ्टर यूजिंग एम्प्योर हम यूज करने वाले सीरम। ये सीरम है, उसको आपको सिंपली बैक ऑफ योर हैंड आपको 1-2 पंप लेना है। उसके बाद पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करना है, अवॉइडिंग आईज एंड माउथ एरिया एंड डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया। सीरम को यूज करने के बाद कंपल्सरी आपको लोशन यूज करना रहेगा, अदरवाइज इट मे इवेपोरेट फ्रॉम दी स्किन। Let it dry completely. Gentle tapping motion से आप इसको dry कर सकते हो। It's a great for greater hydration. Use a tapping motion. जब completely skin के अंदर serum absorb हो जाए उसके बाद हम use करने वाले हैं lotion. So, आपको 1-2 पंप लोशन लेना है और उसको पूरे फेस पे इवेंटली स्प्रेड करना है, अवॉइडिंग आईज एंड माउथ एरिया। यूज जेंटल टैपिंग मोशन, टैप कीजिए अपनी स्किन को टू इंक्रीज हाइड्रेशन। जब आपकी स्किन के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए लोशन उसके बाद हम यूज करने वाले हैं आई क्रीम। सो मेक श्योर आई क्रीम यूज करने से पहले आपके पास स्पैचुला हो, डायरेक्टली प्रोडक्ट को हाथ में मत लीजिए। सो स्पैचुला से आप अपने जो रिंग फिंगर है उसके ऊपर थोड़ा प्रोडक्ट ले लीजिए और जेंटल टैपिंग मोशन पे इसको अप्लाई कीजिए। सिर्फ आईज के अराउंड के एरिया पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपके जो स्माइल लाइन है उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपके जो फाइन लाइन है उसके ऊपर भी, अगर आपके बहुत ही ज्यादा रिंकल्स है तो रिंकल्स के ऊपर भी आप ये क्रीम को लगा सकते हो इफ यू वॉन्ट। जेंटल पैटिंग मोशन से आप उसको एब्जॉर्ब होने के लिए रख दीजिए। जब तक एब्जॉर्ब ना हो आप तब तक के लिए दूसरी क्रीम यूज नहीं कर सकते। सो आफ्टर यूजिंग आई क्रीम
अब हम यूज करने वाले न्यूट्रिशन क्रीम। सो न्यूट्रिशन क्रीम को लेने के लिए भी आप स्पैचुला यूज कीजिए, सो उससे आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। सब थोड़ा न्यूट्रिशन क्रीम लेके पूरे फेस पे अप्लाई कर दीजिए, अवॉइडिंग आईज एंड माउथ एज एंड डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया। तो ये थी हमारी एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट को यूज करने की टेक्निक। आप इसे यूज कीजिए और अपने जो भी स्किन इश्यूज है उसको फाइट कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो थैंक यू।